दोस्तों, भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बाद अब सरकार जल्द ही वंदे मेट्रो लॉन्च करने वाली है। सरकार दिसंबर 2023 तक वंदे मेट्रो को पटरी पर दौड़ा सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है कि देश के कई हिस्सों में इस समय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। इससे आगे अब सरकार वंदे मेट्रो ला रही है जो प्रमुख शहरों को एक दूसरे से जोड़ेगी। वैष्णव ने कहा कि वंदे मेट्रो कम दूरी के मेट्रो रेल नेटवर्क पर काम करेगी। ये 100 किलोमीटर से कम दूरी वाले शहरों को जोड़ेगी। वंदे मेट्रो लोकल ट्रेनों पर भीड़ के दबाव को कम करने में मदद करेगी और ये ट्रेन दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। इसके अलावा रेल मंत्री ने कहा कि इन ट्रेनों को किफायती किराए के साथ उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत के लिए मिली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों को तैयार किया जा रहा है। हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक के मुद्दे पर वैष्णव ने कहा कि ट्रैक का उद्देश्य हाई स्पीड ट्रेनों के परीक्षण की सुविधा प्रदान करना है और ऐसी ट्रेनों के निर्माण में तेजी लाने में सहायता करेगा। वंदे मेट्रो में ये है खास बातें। वंदे मेट्रो 100 किलोमीटर से कम दूरी वाले शहरों के बीच चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस का कम दूरी का वर्जन है। ये ट्रेनें एक रूट पर दिन में 4 से 5 बार चलेगी। ये ट्रेन यात्रियों को रैपिड शटल जैसा अनुभव प्रदान करेगी। इस ट्रेन में मेट्रो की तरह ही 8 कोच होंगे। सामान्य वंदे भारत ट्रेनों में 16 कोच होते हैं। रेल मंत्री के मुताबिक इससे जॉब करने वाले लोग और स्टूडेंट्स कम समय में एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर पाएंगे। वो वर्ल्ड क्लास परिवहन सुविधा का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और लखनऊ स्थित रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को 8 कोच वाली वंदे भारत ट्रेनों के लिए जल्द से जल्द रैक का उत्पादन करने का निर्देश दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।